नमस्कार दोस्तों, आज हम मखाने की खीर बनाने जा रहे हैं। ये तो आपको सबको पता ही है कि मखाने हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं और इनके खाने से कई बीमारियां ठीक भी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं मखाने की खीर। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम छुआरे और थोड़ी सी छोटी इलायची और एक गोला लिया है, 100 ग्राम मखाने लिए। तो चलिए बनाते हैं मखाने की खीर। दूध को पहले हम उबालेंगे। देखिए दोस्तों, दूध हमारा उबल गया है, दूध में उबाल आ गया है। अभी हम इसमें डालेंगे मखाने। हम इसको चलाएंगे और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये हाँ नीचे ना लग जाए। इसके साथ ही हम ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। किशमिश डालेंगे, छुआरे डालेंगे, अब इसको हम पकाएंगे। थोड़े से काजू डाल देंगे, थोड़े गार्निश के लिए रखूंगी। अब हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए, हमारी जल ना जाए। देखिए हम इसको चला रहे हैं ताकि नीचे लग ना जाए, जल ना जाए, इसलिए इसको खीर को हम चलाते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारी खीर पकने वाली है, बस 5 मिनट और लगेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नारियल, इलायची, छोटी इलायची। दोस्तों मैंने ये इलायची क्रश करके डाली है, इलायची पाउडर नहीं डाला, क्योंकि क्रश करके जो इलायची डालते हैं उसमें ज़्यादा खुशबू आती है और बहुत ही अच्छी लगती है। चीनी डालेंगे, और इसको चलाएंगे 5-10 मिनट और चलाएंगे और हमारी खीर रेडी है।
अब तैयार है। देखिए किस तरह ये दूध में एकदम मिक्स हो गई है और गाढ़ी गाढ़ी बनी है। तो ये लो दोस्तों, हमारी मखाने और ड्राई फ्रूट की खीर तैयार हो गई है। आइए आप भी हमारे साथ खाइए गर्मा गर्म मखाने के और ड्राई फ्रूट की खीर। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें।